यस नेक्स्ट जो लॉ जो हम पढ़ रहे जा रहे टीडी से रिलेटेड वो है फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी। अब फर्स्ट लॉ ऑफ टीडी स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स है वो हम पहले स्टडी कर लेते हैं। लाइक सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इंटरनल एनर्जी। कोई भी अगर सिस्टम है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेसिफिक अमाउंट है वो स्टोर्ड रहता है, जो वो एक सम होता है काइनेटिक एनर्जी का या पोटेंशियल एनर्जी का, जो टोटल सम होता है जो स्टोर्ड रहता है किसी भी सिस्टम के अंदर, उसको हम कहते हैं वहाँ पर इंटरनल एनर्जी। इसको हम ई या यहाँ पर यू से डिनोट कर सकते हैं। किसी भी सिस्टम की एनर्जी को हम एग्जैक्टली वहाँ पर फाइंड नहीं कर सकते, पर वहाँ पर हम डेल्टा या उसके अंदर जो चेंज आ रहा है वो हम वहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब भी कोई सिस्टम पर काम होगा या सिस्टम खुद काम करेगा तो वहां पर किसी ना किसी फॉर्म के अंदर वहां पर उसकी एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। तो यहाँ पर जब वो चेंज आएगा वो या तो वर्क की वजह से आएगा, या वो उसमें से अगर कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही है या वो हीट है वो वहां से रिलीज कर रहा है तो उसकी वजह से वहां पर उसके अंदर सिस्टम की एनर्जी के अंदर चेंज आ सकता है, या हो सकता है कि दोनों ही उसमें चीजें हो रही हों जिसकी वजह से वहां पर उसकी एनर्जी के अंदर है वो चेंज आएगा। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल जैसे हम डिस्कस करते हैं, मैंने एक एग्जाम्पल लिया वहां पर कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम है जिसको हम वहां पर क्यू अमाउंट की हीट है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, और उसने उस सिस्टम के ऊपर वहां पर साथ ही साथ कुछ वर्क भी हो रहा है। जैसे यहाँ पर एक गैस का सिलेंडर हमने लिया, गैस के सिलेंडर के ऊपर हमने वहां पर जो प्रेशर है वो अप्लाई किया, तो यहाँ पर गैस का सिलेंडर सिस्टम हो गया और उसके ऊपर वहां पर प्रेशर हम अप्लाई कर रहे हैं, सिस्टम वहां पर कुछ नहीं कर रहा। पी एक्सटर्नल वहां पर उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है प्रेशर की फॉर्म के अंदर, तो वो सिस्टम पर काम हो रहा है और उस कंडीशन के अंदर हो सकता है कि उसने कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी या सॉरी कुछ अमाउंट ऑफ हीट वहां पर उसने एब्जॉर्ब किया, तो वहां पर जो एनर्जी में जो चेंज आया तो वो कहलाएगा डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। एक एग्जाम्पल और हम ले लेते हैं, अगर वहां पर जो सिस्टम है सिस्टम में से वहां पर ऐसा हो रहा है कि उसको हम सिस्टम को हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे पहले के टाइम पे स्टीम इंजन होते थे, भाप के इंजन होते थे, तो उसमें क्या है कि जो कोल है उसके थ्रू जो वहां पर हीट है वो उसके अंदर से जनरेट होती थी। तो स्टीम इंजन का एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले रहे हैं कि उसमें हम जैसे कोयले अगर डाल रहे हैं तो उस कोयले की वजह से वहां पर उसको हीट है वो हम दे रहे हैं, उस सिस्टम को उस इंजन को हीट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसकी वजह से वो जो इंजन है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो उस कंडीशन में वो जो इंजन है वो खुद काम कर रहा है, तो उस कंडीशन के अंदर वहां पर जो एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा जो डेल्टा यू होगा वो हो जाएगा वहां पर क्यू माइनस डब्ल्यू। तो यहां पर जो एनर्जी में जो चेंज आ रहा है वो आप समझ रहे होंगे कि वो सिर्फ दो ही कंडीशन में आ रहा है, या तो वहां पर सिस्टम को हीट मिल रही है या सिस्टम है वो काम कर रहा है, या दोनों चीजें एक साथ हो रही है, तो उसकी वजह से वहां पर जो डेल्टा यू है उसके अंदर चेंज आता है। तो यहां पर मैंने यही टर्म यहां पर लिख रखा है कि इफ डेल्टा यू इज नॉट जीरो, अगर वहां पर जो एनर्जी में चेंज है वो जीरो नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वहां पर जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है। अब वो एनर्जी किस फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है, या तो वहां पर कुछ वर्क हो रहा है या फिर वहां पर हीट है वो ट्रांसफर हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, या दोनों ही कंडीशन वहां पर हो सकते हैं कि वहां पर सिस्टम या कुछ हीट है वो रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, या सिस्टम पर कोई काम हो रहा है या सिस्टम खुद कोई काम कर रहा है। तो ये सारी कंडीशन वहां पर एप्लीकेबल हो सकती है। इसको मैंने डायग्राम के थ्रू भी बताया है। ये हमारा सपोज वहां पर सिस्टम है। अब सिस्टम के ऊपर अगर वहां पर कुछ हीट वो एब्जॉर्ब कर रहा है या उसके ऊपर कोई वर्क हो रहा है, तो ये दोनों चीजें क्या हो जाएंगी वहां पर पॉजिटिव। डेल्टा डब्ल्यू भी पॉजिटिव, जो प्लस डब्ल्यू लिखा है प्लस क्यू लिखा है, इस प्लस का मतलब है कि वहां पर सिस्टम है उसके ऊपर काम हो रहा है, और प्लस क्यू का मतलब है कि वहां पर वो सिस्टम है वो जो हीट है वो क्या कर रहा है एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहां पर बाहर है सराउंडिंग, अब इस सिस्टम के बाहर की तरफ मैंने एरो बना रखा और उसके आगे माइनस का साइन है वो लगा रखा। इस माइनस का मतलब है कि सिस्टम खुद काम कर रहा है, माइनस डब्ल्यू का मतलब, और माइनस क्यू का मतलब है कि उस सिस्टम में से जो कुछ हीट है वो बाहर सराउंडिंग के अंदर जा रही है, इस वजह से वहां पर साइन क्या आ गया, वहां पर नेगेटिव आ गया। तो जब भी वहां पर प्लस का साइन है इसका मतलब सिस्टम कुछ वहां पर गेन कर रहा है, और जब बाहर की तरफ आ रहा है इसका मतलब वहां पर से जो कुछ हीट है वो रिलीज हो रही है या सिस्टम खुद वहां पर काम कर रहा है। तो इस शॉर्ट ट्रिक के थ्रू, इस पर्टिकुलर एग्जाम इसके पर्टिकुलर डायग्राम के थ्रू आप इस चीज को याद रख सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ साइन कन्वेंशन है, क्योंकि काफी बार होता है कंफ्यूजन कि काफी बार यहाँ पर प्लस आ गया, काफी बार माइनस आ गया, क्यू के आगे प्लस आ गया, क्यू के आगे माइनस आ गया। तो उन कंडीशंस में आपको ध्यान रखना है वहां पर कि जब भी
अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले Q है वो नेगेटिव लिया और मैंने W है वो पॉजिटिव लिया। इस नेगेटिव का मतलब क्या होगा कि जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, हीट है वो रिलीज कर रहा है, एक ये केस हो गया। और W का मतलब कि वहां पर सिस्टम पर काम कर रहा है, सिस्टम पर काम हो रहा है तो वर्क डन ऑन सिस्टम हो जाएगा। अब नेक्स्ट मैंने डेल्टा U ले लिया वहां पर, Q माइनस W, Q माइनस W का मतलब